हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अनुच्छेद लेखन बता रही हूँ। क्लास नाइन्थ और टेंथ में 6 मार्क का अनुच्छेद लेखन आता है, ठीक है। एक बात तो ये ध्यान रखें, जैसे एक ही पैराग्राफ में आपको लिखना है, दूसरी चीज़ ये लिखेंगे कि जो वर्ड्स लिमिट है वो 100 से 120 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा, जो फालतू की बकवास नहीं लिखनी, जो टॉपिक दिया है उसी से रिलेटेड आपको लिखना है, ठीक है। आज आप इसमें सूक्ति वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आज का टॉपिक मैंने लिया समय का महत्व, ठीक है। ये डबलता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो दो बार लिखो या फिर ऐसे लिखो, ठीक है। संसार में हमारा आना एक निश्चित समय के लिए ही होता है, ठीक है। क्षणों से निर्मित यह हमारा जीवन क्षण क्षण बीतता जाता है, मतलब हर एक पल तो जाता जा रहा है हमारे जीवन से जब से हमने जन्म लिया है, और जीवन लीला समाप्त हो जाती है। ईश्वर के द्वारा दिए गए इस अनमोल जीवन को हम एक क्षण भी बढ़ा नहीं सकते। अगर हम चाह के चलो भाई 1-2 साल और एक्स्ट्रा जी लें तो वो हमारे हाथ में नहीं है। अतः एक एक पल अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतएव इन पलों का सदुपयोग मतलब अच्छा उपयोग करते हुए जीवन को हम सफल सार्थक बना सकते हैं। कैसे? देखो, जो समय का मूल्य नहीं आंकता तथा उसे व्यर्थ नष्ट करता है, वे जीवन में कुछ नहीं बन पाता। जैसे कि अभी तुम्हारे पढ़ाई लिखाई का टाइम, अगर तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करो तो तुम्हारे मार्क्स कम आएंगे, मार्क्स कम आएंगे तो तुम जब आगे की क्लास में जाओगे वहाँ एडमिशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि 10th के बाद कहीं भी अपने सेम स्कूल में भी अगर तुम एडमिशन लेना चाहो तो वहाँ भी आपको एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा, और कोई कंपटीशन देना है तो उसके लिए तो मेहनत करनी है। इसलिए जो समय है अभी तुम्हारे पास, उसे अच्छे से अपने पढ़ने में लगाओ, ठीक है। वह जीवन में कुछ नहीं बन पाता, कबीर के शब्दों में, ऐसा व्यक्ति जो आया अन आया भया जैसा हो जाता है। नीतिकारों का कथन है, दीर्घ सूत्री विनश्यति, मतलब अर्थात समय पर काम न करने वाला स्वयं नाश को प्राप्त हो जाता है। आप अगर मतलब जिस काम के लिए वो समय है, अगर उसी काम को तुम उस समय पर नहीं कर पा रहे हो तो काम तो फिर होने वाला नहीं है। जो समय बीत गया सो बीत गया, वह लौट कर नहीं आता, गया वक्त फिर हाथ नहीं आता, खोया धन पुनः अर्जित हो सकता है। मतलब अगर आपके पैसे खो जाएं तो आप दोबारा कमा सकते हो उन पैसों को, ठीक है। खोई प्रतिष्ठा भी पुनः मिल सकती है, अगर आपकी प्रतिष्ठा चली जाए वो भी दोबारा मिल सकती है अच्छे काम करके। बिगड़ा स्वास्थ्य उपचार से सुधर संवर सकता है, अगर आप बीमार पड़ गए हो वो भी ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक हो सकते हो। पर समय का रत्न हाथ से निकल जाए तो लाख ढूंढने पर भी कभी नहीं मिलता। मतलब एक बार आपने जो टाइम बर्बाद कर दिया उसे आप किसी भी हालत में वापस नहीं लेके आ सकते। इसी भाव को इन पंक्तियों में मुखरित किया गया है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब अब चिड़िया तो चुग गई, पछताते रहो उससे क्या हो रहा है, अब दोबारा तो नहीं हो सकता ना। अगर आपको पसंद आ रहा है ना, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, फॉलो जरूर।